बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नसरुल्लागंज के पिपलानी, किशनपुरा, हमीदगंज जैसे ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के किसानों को मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अल्पकालीन कार्य विस्तार योजना का महासंपर्क अभियान चला रही है। 18 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इंदौर के विधानसभा 5 में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। सुमित्रा महाजन ने लोगों को एक कैलेंडर भी बांटा जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताई गई। वहीं दूसरी ओर विधानसभा 1 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। बूथ स्तर तक एक एक घर में जाना, अपनी जो भी जानकारी योजनाएं चल रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, ये योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। गरीब लोग हैं सब, अवैध कॉलोनी में इन्होंने सस्ते में प्लाट ले लिया पर इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था की है। लोग खुश हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई इलाकों में बर्फ। इतना चला तुम्हारे ऊपर व्हाट्सएप।